वक्त की बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर यह पत्र जारी किया है। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच की मांग इस पत्र में की गई है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच किए जाने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, पत्र लिखा है, सुबह से ही हम घटनाक्रम देख रहे हैं, ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी की ओर से आई और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लगातार दिग्विजय सिंह, आरोप ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह लगातार देश विरोधी बयान देते हैं। कई घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें उनका बयान देश विरोधी माना गया है, ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का कहना है। और इस लिहाज से आज उन्होंने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री को, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि जो दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ जांच की जानी चाहिए कि आखिर वो किसके आधार पर, किसके किस के इशारे पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मामला जो है वो बेहद दूर पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसमें जांच तक की मांग हो गई है और एनआई से इस पूरे मामले में, माफ कीजिएगा, एनआईए से इस पूरे मामले में जांच की मांग की गई है। और इस संबंध में विष्णुदत्त शर्मा जो सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा है। जी, बहुत शुक्रिया जुगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है और उसके बाद बीजेपी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी और इस सब के बीच में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए से जांच कराए जाने की मांग की है।